नमस्कार, मैं हूँ इसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली की ग्राम पंचायत बछौरा में, जहाँ पर पूर्वा विधानसभा में तरह के देखे जाए तो कई मामले इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। उन मामलों को लेकर के हमारे साथ समाज सेवी हैं ब्रजेश शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा हकीकत। और पूरी तरीके से प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश शुक्ला जी। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छाइयां और बुराइयां भी देखने को मिली होंगी, इस पे क्या? पहले भी तो समाज सेवा के क्षेत्र में मैं यहाँ से नामी विधायक अभी से नहीं है, उनके साथ लगभग 12 वर्षों से, क्योंकि हम अपनी रीत नीति और जो समाज के प्रति उनका समर्पण भाव है, जो तो सेवा भाव है, उसको देखते हुए उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाते लगभग 12 साल से जो है, और हमारी टीम और क्षेत्र बहुत से लोग जुड़े हैं, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की विचारधारा से काम करते हैं। जैसा कि पूर्वा विधानसभा के कुछ संभ्रांत लोग हैं जो जात को लेकर के पूर्वा विधायक अनिल सिंह पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, क्या है ऐसा मामला? सबसे पहले तो जो संभ्रांत लोग, आपने कहा संभ्रांत नहीं, मठाधीश लोग, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो वो लोग एक ऐसा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर यही बात की जाए तो क्या समाजवादी पार्टी में कितने सबसे ज्यादा ब्राह्मण परेशान किए गए, फर्जी मुकदमे लिखाए गए, तब ये लोग, क्योंकि उनकी दुकानें चल रही थी, जब दुकानें चल रही थी बढ़िया सप्लाई हो रही थी, सप्लाई का मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो दुकानें चल रही थी, तो उस समय ये लोग बोलने का काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी जेबें भर रही थी, सारे इनके गलत काम हो रहे थे, तो उस समय इन लोगों ने नहीं बोला। जब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं तो ये अलाप रहे, ब्राह्मणों को उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूर्वा की जनता है सब जानती है, और दुकानें बंद हो गई, दोबारा खुलने वाली नहीं, ताला लग गया है, ताला पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अच्छा, एक असोहा ब्लॉक है, ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है सरवैया, वहाँ के प्रधान प्रति है सतीश त्रिपाठी जी, उन्होंने सीधा आरोप विधायक जी पर लगाया कि उन्होंने मुकदमा लिखवाने का या अन्य तरह का जो है उनको फंसाने का कार्य पूर्वा विधायक अनिल सिंह कर रहे हैं। नहीं भाई, पूर्वा विधायक तो परेशान करेंगे, जो मुकदमा लिखा गया आप किसी को मारेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, पहले लोग उनके दबाव में बोल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर गरीब के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे जो शोषित है, दबा है, गरीब है, उसके पीछे विधायक जी हैं, तो लोग अब डर नहीं रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, तो इसलिए वो पहले पुलिस तक जा ही नहीं पाते थे, इसके पहले भी लोगों को परेशान करते थे। एक वहां पे जो है सुखदेव जी थे, उनको उनकी फर्जी तरीके से जमीन लिखवा ली, उनको जब पता चला कि हमारी जमीन उन्होंने लिखवा लिया, तो आज वो नहीं है, उनकी मौत हो गई। तो ऐसे बहुत से लोग वहां, कई काफी ब्राह्मणों को ही उन्होंने परेशान किया, क्षेत्र के ब्राह्मणों को परेशान किया है, तो ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है। हाँ ये है कि विधायक जी गरीबों की मदद करते हैं, शोषितों की मदद करते हैं, तो इसलिए विधायक का नाम जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गया, अपनी आवाज उठाता है, उसको हर गरीब को, क्षेत्र के लोगों को विधायक जी सदैव जागरूक करते रहते हैं। दीदी आप वीडियो बना लीजिए, आप कोई बात हो तो आप 112 मिला दीजिए, आप पुलिस के पास जाइए, नहीं। सतीश त्रिपाठी से क्या लोग जो डर रहे थे, तो कई लोगों का बयान भी जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है गांव के लोग कि वो कई लंबे वर्षे से जो है प्रधान हैं, तो दबाव का एक बिंदु नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनका खुला खुला आरोप सीधा विधायक जी पर आ रहा, तो हम लोग हैं स्वतंत्र हैं, आरोप किसी को भी लगा सकते हैं, ये आदमी है, आदमी फंसता है, गलत काम करता है, मुकदमा लिखता है, फिर आदमी तो ये तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, हकीकत यही है, भाई आप मारपीट करोगे, किसी को परेशान करोगे तो मुकदमा तो लिखा ही जाएगा ना। अब ये कहा जा सकता है कि पूर्वा की जनता जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, वो अपनी आवाज उठाने के लिए सक्षम है, पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, हर आप समझ लीजिए पहले लोग ना कुछ बोल पाते थे यहाँ के, ना कुछ लिख पाते थे, आज जो लिखते हैं बोलते हैं, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, पहले के लोग इतना पूर्व विधायक से डरते थे कि अपनी बात नहीं कह पाते थे,
आज आपने देखा होगा क्षेत्र में निकलते हैं, गांव गांव में निकलते हैं, हर छोटे तबके के पास सबके बाद विधायक जी का सीधा नंबर है, सीधा फोन विधायक जी को मिलाते हैं, अपनी बात कहते हैं और विधायक जी कहीं बिजी होते हैं तो उनके पीए फोन उठाते हैं और हर संभव उनकी मदद होती है। ब्लॉक वाइज हर जगह माननीय विधायक जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, लोग अपनी बात कराते हैं, थाने में भी अगर वो सही है तो बेधड़क होके जाता है। तो जो छोटा आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, गरीब आदमी है, वो अब निडर हो गया है क्योंकि उसके पीछे गरीबों के मसीहा माननीय अमित सिंह जी हैं। और एक प्रकरण इस समय और चल रहा है मंगत खेड़ा के प्रधान का, जिसको मंगत खेड़ा प्रधान ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल है एक वीडियो कि जो है विधायक पूर्वा विधायक अनिल सिंह के जो समर्थक है उन्होंने उस पर उन पर हमला किया और उनके जमीन भी हड़पने का ऐसा कुछ मामला आया, क्या कहेंगे? समर्थक जो है दोनों पक्ष है, दोनों लोग चुनाव में माननीय विधायक जी के साथ रहे तो इसलिए यहाँ समर्थक की कोई बात नहीं है, दोनों लोगों का जमीन का विवाद है, अपना अपने जो है कब्जेदारी को लेकर अपना दोनों लोगों में जो भी हुआ हो और वैसे दोनों लोगों का समझौता हो गया, उसमें विधायक से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि बात कही जाए या प्रतिनिधि की बात कही जाए तो ऐसा बीच में एक सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा था कि जो कि ये कहा जा रहा था कि उसमें था कि जो प्रशासन पर पूर्वा विधायक अनिल सिंह दबाव बना रहे हैं कि ताकि उनके ऊपर विभिन्न तरह के मुकदमे हो सके, ऐसा क्या? सर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये पूर्वा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं योगेंद्र त्रिवेदी जी, उन्होंने एक अपनी वाल से पोस्ट किया था कि विधानसभा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो मैंने उनको फोन किया, हमने कहा प्रशासनिक दबाव में, मैंने उनको फोन किया, हमने कहा दादा आप क्या मुझे जो एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं कि आप ब्राह्मणों के लिस्ट आप मुझे देंगे? तो उन्होंने इस पर कोई मुझे जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जो ठाकुरों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं तो वो भी आप मुझे, आपको जानकारी होगी ना हो तो हम आपको बता दें, बहुत सारे मुकदमे हैं, आपको पता होगा इसी ब्लॉक के राजेंद्र सिंह हैं लोहारों के प्रधान हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद आप मवई पोपो सिंह की बात आपको पता ही है, 13 से 15 बीघा जमीन वो जो है उसको खाली कराई गई। तो ऐसा नहीं है, कोई भी हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, विधायक जी ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वो गरीबों को परेशान करता है, अत्याचार करता है, सताता है, भ्रष्टाचारी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो किसी भी जात का व्यक्ति है। तो उन्होंने फेसबुक पे लिखा था, उसके बाद फेसबुक पे लोगों को ट्रोल भी हुए क्योंकि जब गलत है आप गलत पोस्ट करेंगे तो लोग क्षेत्र के कमेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और उसका भी कारण ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एक दिन पहले माननीय विधायक जी से टिकट की बात कर रहे थे कि पूर्वा नगर पंचायत से मुझे टिकट दिला दीजिए। माननीय विधायक जी ने कहा आप मेहनत करिए और जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य होगा, शायद ये बात उनको ना अच्छी लगी हो। नगर पंचायत का चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे कहा जाए तो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो मौरावा और पूर्वा को लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं? मौरावा में परिवर्तन होगा जी और पूर्वा में अब जो भी हो भाई, सबसे पहले तो आरक्षण जी क्लियर होना चाहिए, आरक्षण की बात भी पता चलेगा जी, उसके बाद कौन लड़ता है क्या होता है, लेकिन मौरावा परिवर्तन तय है, यहाँ की जनता पूरी तरह से में परिवर्तन चाहती है। तो जो मौरावा है या पूर्वा है यहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कौन प्रत्याशी चयनित होकर के आएगा, बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले हमने कहा ना कि आरक्षण, जब तक आरक्षण नहीं है पता ही नहीं कौन सी सीट हो रही है तो उस पर किस कौन प्रत्याशी होगा ये कहा भी जा सकता है। दूसरा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा किसको अपना प्रत्याशी बनाता है बात की बात है, पहले आरक्षण की। वैसे आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप पर भी विधायक जी कोई मुकदमा या किसी तरह से कहा जाए कि जैसा कि एक आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि यहाँ के लोगों का आरोप है पूर्वा विधानसभा के जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, कुछ सभी नहीं कह जा सकते, उनमें से आप भी उस वर्ग से आते हैं तो आप इस बात का खंडन करेंगे कि स्वीकार करेंगे? माननीय विधायक जी के साथ रहते नेतृत्व कर रहे हैं,
और हमने कहा ना जो ब्राह्मण आपने दो चार लोग होंगे जो मठाधीश हैं वही उन्हीं की बात आप कर रहे हैं कि वही ब्राह्मण है, लेकिन आज माननीय विधायक जी के साथ जो निचले तबके के हम लोग जैसे मध्यम वर्गीय उनको बढ़ाने का माननीय विधायक जी ने काम किया है। भाई पहले क्या होता था कि भाई मठाधीशों को यहाँ के विधायक साथ ले लेते थे, उनसे होल्डिंग बैनर लगवाते थे, जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम भी वही कराते थे, चाय भी वही पिलाते थे। पर अब ये पूरा बदल गया है, अब विधायक जितने भी सब कुछ होते हैं अपने पास से करते हैं, ना कोई कोटेदार, ना कोई प्रधान, ना कोई मठाधीश, ऐसे लोगों का कोई सहयोग नहीं होता है। आप पूर्वा में ले लीजिए, वहां पे अमित त्रिवेदी जी हैं, युवा है, उनकी माता जी प्रधान संघ की अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब अगर माननीय विधायक जी ब्राह्मण विरोधी हो तो क्यों ब्राह्मण किसी को आगे करें? आज हमको अपना माननीय विधायक जी ने मीडिया प्रभारी नियुक्त कर रखा है, अगर वो ब्राह्मण विरोधी तो ऐसा क्यों करें? बिछिया ब्लॉक में दीपक त्रिवेदी जी वहां का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर वो ब्राह्मण विरोधी तो ऐसा क्यों करें? कालीखेड़ा क्षेत्र में पप्पन अवस्थी है, अमित तिवारी है, इधर जो है लौवा क्षेत्र में इधर का पूरा काम हमारे बड़े भाई रमेश तिवारी जी देख रहे हैं, राजेश पांडे जी हैं, अनु त्रिवेदी जी हैं, बहुत से लोग हैं, तो अगर ब्राह्मण विरोधी हो तो वो काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे कितने परसेंटेज आप सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सब पे काम करती है, और निचले स्तर पर अंत्योदय स्तर पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंच रही है, पारदर्शिता के साथ पहुंच रही है, और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसमें क्योंकि समाजवादी पार्टी से प्रेम बहुत से लोग हैं, तो उनको भी धीरे धीरे साफ करके एकदम सारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ पहुंच रही है। इसलिए जो है आज देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसकी कथनी करनी सब एक है, सबका साथ सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सारे प्रश्नों का जवाब बेबाक शब्दों से दिया ब्रजेश शुक्ला ने, उन्होंने साथ साथ बताया कि वो पूर्वा विधायक अनिल सिंह के मीडिया प्रभारी भी हैं। उन्होंने साफ साफ बातों का खंडन किया कि पूर्वा विधायक अनिल सिंह एक भी प्रतिशत किसी जाति के विरोधी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह केवल एक कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचारी हैं या अन्य तरह के भी आरोप लगाते हैं, उन्होंने कहा कि वो लोग ही इस बात को केवल पुष्टि के तौर पर करने का काम कर रहे हैं। पूर्वा विधायक केवल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हुए काम कर रहे हैं। उनका एक पर्सनल नारा भी है, होगा वही जो होगा सही, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि कोई भी गरीब या आम जनमानस सताया नहीं जाएगा, हर तरीके से पूर्वा विधायक उस व्यक्ति के साथ हैं। युवा तक भारत के लिए मैं इसके